हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हौसलों की उड़ान। तो जैसा कि आप सभी को बताया कि मैं अपने इस चैनल पर स्टडी से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ। तो मैं अभी एमबीटेट वर्ग तीन पर फोकस्ड प्रिपरेशन कर रही हूँ। पहले मैं एमपी महिला सुपरवाइज़र की प्रिपरेशन कर रही थी और मेरी नोट्स पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुकी हैं। मुझे ऐसा लग रहा है, मैंने डीएलएड कर रखा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब समय कम है और मैं जितना मेरे पास समय है उस अकॉर्डिंग मैं क्वालिफाई नहीं कर पाऊँगी महिला सुपरवाइज़र। इस वजह से मैंने महिला सुपरवाइज़र को स्किप करते हुए, ऐसा नहीं है कि मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगी क्योंकि मैंने प्रिपरेशन इसकी भी कुछ कर रखी है और अगर मुझे समय मिला तो मैं पूरा 100% दूंगी इसमें भी। बट इससे पहले वर्ग तीन का एग्ज़ाम आ चुका है और जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी उस टाइम पर वर्ग तीन की कोई न्यूज़ नहीं थी, तो मैंने इस पर फोकस्ड किया था। तो मैंने ये सोचा है कि अभी भी बहुत सारी हाउसवाइफ, मदर्स एंड गर्ल्स जो भी महिला सुपरवाइज़र की प्रिपरेशन कर रही हैं तो उनको कहीं ना कहीं नोट्स पूरी तरह से नहीं मिल पा रहे हैं। मैंने ये सोचा है कि मैंने अगर नोट्स प्रिपेयर कर लिए और ये नोट्स अगर आप पढ़ोगे ना, 100% गारंटी है आपको मतलब एक सीट आप पक्की कर लोगे। हाँ, मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं सारे टाइम पर आपको सारे नोट अपने अवेलेबल करवा दूँगी, बट मैं कोशिश अपनी पूरी करूँगी। मैंने बस इसीलिए इसको स्टार्ट किया है, इस जर्नी को, कि ठीक है अगर मैं इसकी प्रिपरेशन से पीछे हट रही हूँ, मैं नहीं कर रही हूँ, बट मेरी जैसे बहुत सारी हाउस वाइफ हैं, मदर्स एंड गर्ल्स हैं जो इसकी प्रिपरेशन कर रही हैं, तो मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए। मैं इस नोट्स को लोगों तक पहुँचाऊँ ताकि किसी के हेल्प हो सके। इस वजह से मैंने योजना का टॉपिक स्टार्ट किया है। मैंने ये सोचा है कि मैं सारी योजनाएं आपको वन बाय वन शेयर करती रहूँगी। एक वीडियो में कोई कभी दो तीन योजनाएँ, जब जैसी जिसकी डेप्थ लेवल तक रहा, अगर बड़ी रही तो एक ही कवर करती हूँ, अगर छोटी रही तो दो या तीन कवर कर देती हूँ। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है प्रॉपर, आप प्लेलिस्ट में जाना और उस पोषण और स्वास्थ्य का देखना, योजना की आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी अभी तक की जो मैंने डाली है। तो ये मेरी 7 नंबर की योजना है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो अगर हाँ, आपको एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपको पीडीएफ फॉर्म भी चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। मैं टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ फॉर्म में ये आपकी नोट्स अवेलेबल करवा दूँगी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, मैं ये नहीं कहती पूरा करवा दूँगी सिलेबस, बट योजनाएँ, अधिनियम और जो जो टॉपिक्स आप पोषण और स्वास्थ्य एंड मैनेजमेंट ना, इन सब की अगर आप बोलेंगे तो आप बताते चलना। मेरे पास नोट्स, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे पास नोट्स रखी हुई है, अवेलेबल है, बहुत ही अच्छी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, तो मैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताते रहा करिए कि हाँ, आपको मेरे नोट्स कैसे लग रहे हैं और कितने हेल्पफुल हैं और क्या आगे मैं कंटिन्यू इसी सीरीज़ को रखूँ। ये सब चीज़ें आप मुझसे प्लीज़ शेयर करते रहा करिए ताकि मुझे चीज़ें क्लियर हो सके, क्लैरिफाई हो कि हाँ, जो भी मैं कंटेंट दे रही हूँ वो किसी के काम आ रहा है। ये सौर्या दल है, इसकी मैंने मे भी लोगो नहीं लगाया हुआ है, तो 10 नंबर भी ये सौर्या दल है। इसके पहले लाडो अभियान था और ये है सौर्या दल, ये भी एक योजना है। और मैं आपको बता दूं कि अगर मैं पढ़ सकती हूँ, मैं चीज़ें पूरी तरह से शेयर तो नहीं कर रही हूँ, पर थोड़ा बहुत मैंने इससे पहले की वीडियोस में बता रखा है। मैं मेंटली काफ़ी डिस्टर्ब चल रही थी, मेंटली डिप्रेस्ड थी, उसको डिस्टर्ब तो नहीं कहेंगे, डिप्रेस्ड बोल सकते हैं, डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स से गुजर रही थी और उससे निकलते हुए मैं अगर स्टडी कर सकती हूँ, मैं अगर अपने गोल को डिसाइड कर सकती हूँ, गोल अचीव करने के लिए पहला कदम उठा सकती हूँ, तो आप लोग भी उठा सकते हो, मुझे पूरा भरोसा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट योजना मुख्यमंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकास कार्यक्रम, यहाँ से हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। अभी मैंने इतनी जो भी योजनाएँ आपको अवेलेबल कराई है, प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए
कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है। तो लास्ट में फिर जैसे जाते जाते मैं यही कहती हूँ कि चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, हमें अपने लिए स्टैंड उठाना है, हमें परिस्थितियों से घबरा कर अपने लक्ष्य को पीछे नहीं छोड़ना है, हमें हमेशा पढ़ते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। टिल देन, बाय बाय।